सिवनी में करंट लगने से दो लोगों की मौत। जानवरों का शिकार करने के लिए बिछा रहे थे बिजली के तार। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में दो लोग शिकार करने गए थे। दोनों व्यक्ति मांस की खातिर जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए बिजली का तार बिछा रहे थे, तभी दोनों व्यक्तियों की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद इस घटना की जानकारी एक वन अधिकारी ने रविवार यानी 26 नवंबर को दी। वन रेंजर एच दहिया ने बताया कि शनिवार को जिले के पांड्या छपरा रेंज में यह घटना घटी। उन्होंने बताया कि दोनों व्यक्तियों की पहचान हो गई है। वन अधिकारी ने बताया कि उगली थाना क्षेत्र में खैरी गांव के श्रीचंद ध्रुवे, जिसकी उम्र 18 वर्ष, और पवार बरकाड़े, जिनकी उम्र 20 वर्ष थी, दोनों कृषि आधारित उत्सव के वास्ते मांस की खातिर जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए बिजली के तार बिछा रहे थे। उनके अनुसार इस उत्सव के दौरान गांव में मेहमान आते हैं। दहिया के अनुसार ये दोनों तब उस तार के संपर्क में आ गए जब उसमें विद्युत प्रभावित हो रही थी। करंट लगने से दोनों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी। शिकार के लिए बिजली के तार बिछा रहे थे दो युवक। दरअसल जंगली जानवरों के शिकार करने के लिए मध्य प्रदेश के सिवनी जिले दो युवक बिजली का तार बिछा रहे थे, तभी तार में बिजली का करंट प्रभावित हो गया, जिससे करंट की चपेट में आने से दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी पाकर मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और पुलिस को खबर की, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सिवनी जिले में श्रीचंद ध्रुवे और पवार बरकाड़े ने जंगल में शिकार करने के लिए तार बिछाया था। कवायद जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए की गई थी। तार बिछाने के दौरान ही उसमें करंट आ गया, जिससे दोनों करंट की चपेट में आ गए। दोनों युवकों की मौत की खबर सुनने के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान एक वन अधिकारी ने कहा कि पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।